तो भाई काफ़ी मेरे पास डीएम्स आ रहे थे कि हम्माद भाई GTA टी सिक्स की जो है वो न्यूज़ आ गई है बस हम्माद भाई आने वाला है बस आप बात ही नहीं कर रहे हैं भाई बात ही नहीं कर रहे हैं तो मैंने बोला रुको जरा सबर करो अभी बताते हैं तो गाइज ऑफिशियली एक रॉक ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि रॉकस्टार गेम्स डॉट कॉम पर एक पोस्ट की है जिसमें थोड़ा सा इन्होंने हिंट दिए कि भाई जी टी का काम चल रहा है जिसका मैं अगेन मैं बोलूंगा भाई वो मंजन है तो बताऊंगा क्यों मंजन है खैर अभी रिसेंटली एक अपडेट आया जी टी ए ऑनलाइन द कॉन्ट्रैक्ट तो उसके हवाले से काफी इन लोगों को बैकलैश सुनने को मिल रहा था कि भाई बहुत हो गया आप लोग कितने अपडेट्स देते रहेंगे कब तक इसको मिल्क करेंगे मतलब कब तक आप इसको निचोड़ेंगे तो इनकी हट गई इन्होंने बोला भाई इनको चुप कराने का यही तरीका है कि भाई जो है ना एक अपनी ना ऑफिशियल अपडेट दे दो क्योंकि बहुत टाइम से जो है ना ऑफिशियली बात हुई नहीं थी इसकी तो उन्होंने बोला यार दे दो यार इसको मतलब इनको चुप कराओ यार तो अभी मैं बताता हूँ भाई क्यों ये मंजन है और बहुत सारे कह रहे हैं नहीं नहीं बस आ रहा है आ रहा है मैं बताता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से मुझे क्यों मंजन लगता है आई मे बी रॉन्ग मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं गलत साबित हूँ लेकिन चलो मैं बताता हूँ कि भाई ये क्यों मंजन है तो सबसे पहले जाते हैं न्यूज़ वायर पर जहाँ पे देखो जो भी तुम लोग वीडियोस देखते हो ना यूट्यूब पे कि जी टी सिक्स ये जी टी सिक्स वो बुली टू का भी लोग बोलते हैं कि भाई बुली टू भी आ रहा है तो भाई एक जब तक ऑफिशियली न्यूज़ वायर मतलब रॉक स्टार गेम्स का जो भी अपडेट्स आते हैं ना वो न्यूज वायर पे आते हैं इनका एक सेक्शन होता है अलग तो उस पर जो कम्युनिटी अपडेट आएगी ना वही लिजिट होती है और जो भी यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं विदाउट रेफरेंसिंग न्यूज वायर तो भाई वो ऑल बुलशेट है तो अब इसको खोलते हैं देखो इन लोगों की फेबर फोर को बेसिकली अपडेट आई थी तो मतलब इन्हेंसमेंट हुई थी ऑनलाइन में अपडेट तो कॉन्ट्रैक्ट पहले आ चुका है लेकिन उसमें और थोड़ी सी अपग्रेडेशन आई थी तो उस हवाले से जो है ना काफी बैकलैश इनको सुनने में मिला तो इन्होंने चुप कराने का एक मंजन दिया तो भाई बेसिकली जो है देखो गाड़ियाँ इन्होंने दी हैं गाड़ियाँ जाहिर सी बात है जब एक नया अपडेट आता है ना तो उसके रिलेटेड ना गाड़ियाँ काफ़ी आती हैं जो ऑनलाइन खेलते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे तो गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही थी सॉन्ग्स आ रहे थे भाई तो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम ये गेम जो है वो सॉन्ग्स के लिए थोड़ी खेलते हैं भाई अब हम तंग आ गए हमें नया गेम दो तो भाई असल कहानी शुरू होती है यहाँ पे अ न्यू जनरेशन फॉर जी टी ए फाइव एंड जी टी ए ऑनलाइन अच्छा ये एंड क्यों है मैं तुम लोग को बताता हूँ पहले सिर्फ ये होता था जी टी ए ऑनलाइन मतलब अपडेट जितने भी आए ना वो सिर्फ जी टी ए ऑनलाइन के आए हैं जी टी ए फाइव स्टोरी मोड का तो कोई अपडेट या डीएलसी तो आया ही नहीं है भाई तो इन्होंने बोला कि भाई अब दोनों का जो है वो एक स्ट्रोंग अपडेट आ रहा है तो अब देखते हैं वो क्या है मैं पढ़ता हूं आर्टिकल उसके बाद मैं तुम लोगों को समझाता हूँ विद द जी डी फाइव कम्युनिटी स्ट्रोंगर देन एवर मतलब भाई हम तो भाई मजबूत हैं हमारी कम्युनिटी अब एक गालियाँ देती है एक दूसरे को कम्युनिटी जरा जाओ तो तुम लोग ग्रेंथ ऑटो फाइव एंड ग्रेंथ ऑटो ऑनलाइन वेलकम टू द प्ले स्टेशन फाइव एंड एक्स बॉक्स सीरीज एक्स एंड एस बेसिकली पी एस फाइव पे आ रहा है मेजर जो अपडेट है और Xbox और सीरीज़ एक्स एस सिर्फ का अपडेट आ रहा है, है दीवार से लगाया जा रहा है इनका कॉन्सोल वेरिएंट के लिए सिर्फ कॉन्सोल के लिए ब्रिंगिंग द ब्लॉकबस्टर ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस टू प्लेयर्स ऑन द लेटेस्ट हार्डवेयर बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सोल्स की बात हो रही है वी सिंसेरली अप्रिशिएट द एंटायर कम्युनिटी सपोर्ट ओवर द ईयर एज द गेम नाउ हेड इन टू अन्प्रेसिडेंटेड थर्ड कौनसोल जनरेशन मतलब बोल रहे हैं यार तुम लोगों ने जी टी ए फाइव को इतना सपोर्ट किया इतना सपोर्ट किया कि ये थर्ड कौनसोल जनरेशन पे आ रहा है मतलब थर्ड कौनसोल जनरेशन का मतलब पी एस थ्री पे आया फिर पी एस फोर पे आया अब पी एस फाइव पर आ रहा है सोचो यार कितना लंबा है ये जी टी ए फाइव कम्युनिटी ने चलाया भाई तो उसको ये लोग ना थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर रहे हैं फिर जी

ड्रॉ डिस्टेंस अपग्रेड्स ड्रॉ डिस्टेंस क्या होता है जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम लोग देख रहे होते हो कि जो पहाड़ लोड हो रहे हैं कभी कभी गाड़ी स्पॉन हो जाती है वो ड्रा डिस्टेंस होता है अच्छा वो ड्रॉ डिस्टेंस जो गेम का अपना होता है ना अगर हम मॉडिंग नहीं करें तो वो सही चलता है लेकिन हम फिर एक्स्ट्रा मॉड करते हैं ना तो गेम की गेम मेमोरी होती है वो यूज़ होती है तो जब हम एक्स्ट्रा मॉड करके ऑलरेडी गेम मेमोरी एक्वायर कर लेते हैं ना तो जो गेम की मेमोरी बचती है ना वो अपनी जो मॉडल और टेक्सचर होते हैं ना उनको लोड नहीं कर पाती वो हमें प्रायोरिटी दे, दे देती है जो हमने मॉड्स किए हैं तो इस वजह से तुम लोग को थोड़े से ग्लिचेस दिखते होंगे उसमें तो अब ये कह रहे हैं कि टेक्स्चर और ड्रॉ डिस्टेंस के अपग्रेड्स होंगे मतलब भाई नेक्स्ट लेवल हो जाएगा मतलब टेक्सचर तो वैसे ही इसका स्टोरी मोड का इतना गंदा सा होता है वो तो हम मॉड्स करते हैं ग्राफिक्स के तो अच्छा होता है वरना तो बहुत ही बेकार होता है तो भाई ये अपग्रेड जो है ये सिर्फ पी एस फाइव और एक्स बॉक्स सीरीज एक्स वालों के लिए एच डी आर ऑप्शन भी आ जाएंगे अभी एच डी आर का ऑप्शन है नहीं वो फेक एच डी आर करते हैं Uh, वैसे एच uh, नहीं होती और रेट रेसिंग भी नहीं होती है जी में वो भी जब हम ग्राफिक्स मॉडस करते हैं ना तब हमारा जो होता है वो ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर हमें अलाउ करता है कि हम रेटरेसिंग करें वैसे ऑफिशियली रेट रेसिंग इस पर सही नहीं होती है क्योंकि फील ही नहीं आता आप ऑप्शन भले आएगा लेकिन वो होती नहीं है एज वेल एज ऑफरिंग द टेक्निकल एडवांसमेंट ऑफ द लेटेस्ट कॉन्सोल जनरेशन विद फास्टर लोडिंग टाइम्स मतलब लोडिंग टाइम्स में तो हम मर जाते हैं uh, जब जी टी ऑनलाइन खेलते हैं तो तुम लोगों को पता होगा कितना लोडिंग टाइम होता है मतलब सर्वर टाइम भी ये लोग रिड्यूस करेंगे इमरसिव थ्री डी ऑडियो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फ़ीचर्स लाइक एडवांस हैप्टिक फीडबैक अच्छा ये हैप्टिक फीडबैक मैं बता दूँ जो सिर्फ पी सी के यूजर्स हैं या फिर जो मुझे देखने वाले हैं जो कभी कौंसल जिन्होंने नहीं खेला तो हैप्टिक फीडबैक ये होता है गाइज जब हम किसी को शूट करते हैं या गाड़ी टकराती है तो हमारा कंट्रोलर यानी कि जो जॉयसटिक होती है ना वो वाइब्रेट करती है तो उसको ये कह रहे हैं एडवांस करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छी फील आएगी अच्छा जो सबसे अच्छी हैप्टिक फीडबैक अभी चल रही है ना गेम्स में वो सिर्फ रेड डेड रिटेमशन टू में Uh, जिसका मैं खुद गवाऊ क्योंकि मैं खेल चुका हूँ वो गेम तो उसकी हेप्टिक फीडबैक बहुत अच्छी है एंड मच मोर मतलब और भी कुछ होगा वो सिर्फ पी आप लेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे अच्छा फिर कह रहे हैं पी एस फोर एंड एक्सबॉक्स वन प्लेयर्स ईगर टू कंटिन्यू देयर जर्नी On the newest generation of hardware will be able to transfer both their GTA 5 story mode progress and their current GTA Online characters and progression to PS5 and Xbox Series X with one-time migration at launch. विद वन टाइम माइग्रेशन एट लॉन्च मतलब ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे यार हम हम पी एस फोर पर इतने टाइम से ऑनलाइन खेल रहे हैं स्टोरी मोड भी खेल रहे हैं तो यार हम फिर जब PS5 लेंगे तो क्या शुरू से खेलेंगे शुरू से, से कैरेक्टर बिल्ड करेंगे फिर उसके बाद ब्ला ब्ला बला तो उन्होंने बोला नहीं जो आपकी आईडी है ना वन टाइम जो है वो माइग्रेट हो जाएगी मतलब जैसे मेरा कैरेक्टर है ऑनलाइन का जितने पैसे जितनी प्रॉपर्टीज उसके पास हैं तो वो सारी जो है ना शिफ्ट हो जाएंगी नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सोल पे तो दोनों एक्सबॉक्स के लिए भी और पीएस के लिए भी तो दैट्स अ गुड थिंग मेरी तो आईडी है अगर मैं पीएस फाइव आगे लूंगा तो आई माइट भी मैं शिफ्ट कर लूँ लेकिन अभी मेरा पी लेने का कोई इरादा नहीं है वैसे भी मार्केट में चल चलने

करके कटाया है इन्होंने इन्होंने बोला अवेलेबल फॉर फ्री फॉर द फर्स्ट मंथ्स ऑफ यूजर्स अच्छा मेरे ख्याल में जो अब डीएलसी आएगा ना स्टैंड अलोन का वो पेड होगा जो कुछ गेम्स में पेड डीएलसी होते हैं ना जैसे फोर्जा वगैरह में तो वो पेड डीएलसी होगा लेकिन उन्होंने बोला पी एस क्योंकि हमारी गोद में बैठते हैं ना पी वाले तो हम उनको थ्री मंथ्स के लिए ना फ्री दे, दे देंगे एक् वाले इसमें भी खरीदे बेटा शुरू से और पीसी वाले तो फिर पीछे ही हैं तो मेकिंग इट इजीियर देन एवर बिफोर फॉर न्यू प्लेयर्स टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग जीटी ऑनलाइन हैज टू ऑफर सही है भाई देते रहो उनको अच्छा इंप्रूवमेंट्स टू जीटीए ऑनलाइन जीटीए ऑनलाइन फॉर पीएस5 वन इंक्लूड रेंज ऑफ इंप्रूवमेंट ब्ला बलाबला बलाबला मतलब आपको जो है वो सारे ट्यूटोरियल भी बेहतर मिलेंगे नाइट क्लब ब्ला 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 चीज़ें चीज़ें मतलब थोड़ी अपग्रेड मिलेगी अच्छा असल जो मंजन जो दिया ना जिस पे ट्विटर पूरा फटा हुआ था ये सीन था वो ट्विटर पे जी टी सिक्स ट्रेंड कर रहा था भाई खैर ट्विटर की तो बात ना ही करें गाइस मेरे साथ एक बैड सीन हो गया है मेरा ट्विटर ने ऑफिशियली परमानेंटली अकाउंट सस्पेंड कर दिया अच्छा मैं बताता हूँ सस्पेंड होने की वजह मेरी क्या है मैंने कभी बीच में जब कुछ जुल्म हो रहे थे अपनी मुस्लिम कम्युनिटी पे तो कश्मीर में चाइना में फ़लस्तीन पे मैंने कुछ ट्वीट्स कर दी थी उससे रिलेटेड कुछ रीट्वीट्स कर दी थी जिसकी वजह से यार उन्होंने मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया मैंने अपील भी की थी लेकिन परमानेंटली सस्पेंड क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं हेट स्पीच करता हूँ मतलब भाई मैं नफरत फैला रहा हूँ सही है भाई वो भी यार तुम लोग मुझे डी करते हो कि हम हाथ भाई इस पे बात करें और ट्विटर ही एक वाहद प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जो है अपनी वॉइस रेस कर सकते हो जिसकी वजह से एक्चुअली एक इम्पैक्ट पड़ता है और रीट्वीट्स मैं बेसिकली मैं ट्वीट नहीं करता था मैं रीट्वीट्स करता था मतलब जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उन्होंने ट्वीट्स किए हैं मतलब मैं उनको सपोर्ट करता हूँ तो मैं मैं भी कहता हूँ कि हाँ भाई मैं इस कॉज को सपोर्ट करता हूँ कि जुल्म हो रहा है नहीं होना चाहिए तो मैं रीट्वीट्स करता था तो रीट्वीट्स की बदौलत जिन्होंने भी रीट्वीट्स किए हैं मेरे ख्याल में उन्होंने अंडर करके उसको जो है ना सस्पेंड किया है तो परमानेंटली सस्पेंड हो गया दैट वाई एम नॉट ऑन ट्विटर एनी मोर अब सबको खुश करेंगे भाई बोलेंगे नहीं बस दुआ करो भाई अब दुआ ही कर सकते हैं लोगों के लिए क्या कर सकते हैं खैर एनी अब है असल मंजन की बात व्हाट्स नेक्स्ट इन्होंने बोला कि यार असल कम्यूनिटी तो हमारी पी सी यूजर्स हैं क्योंकि कौनसोल को कुछ भी कह लो कौंसोल के लिमिटेड यूजर्स हैं असल हैं यूजर्स पी सी के मॉड सारे पी सीज पर हैं तो उन्होंने बोला यार इनको भी ज़रा खुश कर देते हैं ये तो अब जो है ना ये वरना हमारे पीछे पड़ जाएंगे तो विद द अनप्रेजिडेंसिविटी ऑफ जी टी ए फाइव मतलब भाई बहुत लंबा चला लिया हमने जी टी ए फाइव वी नो मैनी ऑफ यू हैव बीन अबाउट ए न्यू एंट्री ऑफ ग्रंथ अवॉर्डो सीरीज मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि भाई एक नई एंट्री आए जी टी ए सिक्स जिसको हम कह रहे हैं मे बी ये लोग ग्रंथ अवार्डो की कोई और सीरीज भी इसको कह सकते हैं जरूर नहीं है जी टी ए फाइव के बाद जी टी ए सिक्स ही कहें ये लोग कुछ और भी क्या पता है नई सिटी हो बिल्कुल तो उसका नाम ही डिफरेंट हो आई एम नॉट श्योर तो हम लोग तो उसको जी टी ए सिक्स ही कहते हैं ना तो विद एवरी न्यू प्रोजेक्ट वी एम ऑन आवर गोल इज टू ऑलवेज सिग्निफिकेंटली मूव बियड वट वी हैव प्रीवियसली डिलीवर्ड मतलब ये कह रहे हैं हम आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं तो इसलिए जो है ना हम बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज डिलीवर करना चाहते हैं एंड वी आर प्लीज टू कन्फर्म दैट एक्टिव डेवलपमेंट फॉर द नेक्स्ट एंड्री इन द ग्रेंथ एफ वॉडो सीरीज़ इज़ वेल अंडर वे मतलब डेवलपमेंट हमारी एक्टिव है और वेल अंडर वे भाई ये होती है क्लाइंट को टोपी कराने वाली गाइज मैं भी जॉब करता हूँ जब हम लोग काम करते हैं ना क्लाइंट्स के लिए जैसे कोई बड़ी क्लाइंट की बड़ी कंपनी की वेबसाइट आई हुई है या फिर उनका सॉफ्टवेयर आया हुआ है जिसको अर्जेंटली अपडेट करना है हमने और क्लाइंट की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम उसको टोपी कराने के लिए जो कि क्लाइंट हमें मांग रहा होता है कि भाई मुझे ये छः महीने में चाहिए उसको दो साल की टोपी कराने के लिए ताकि हम क्लाइंट को भी खुश कर सकें और काम भी अपना जो है ना आराम से कर सकें तो उसको टोपी देने के लिए ना हम लोग ये बहुत करते हैं इज़ वेल अंडरवे वे मतलब योर प्रोजेक्ट योर सॉफ्टवेयर इज़ वेल इंडर वे तो मतलब ये है इनको चुप कराने का सीन किया है कि भाई डेवलपमेंट चल रही है अभी सबर करो वी लुक फॉरवर्ड टू शेयरिंग सून मोर सून एज सून एज वी आर रेडी मतलब अभी रेडी नहीं है एक्टिव डेवलपमेंट चल रही है लेकिन जैसे ही हम रेडी होंगे कुछ शेयर करने के लिए कुछ क्लिप्स शेयर करने के लिए तो हम आपको बता देंगे सो प्लीज स्टेट यून टू द रॉकस्टार न्यूज वाई फॉर ऑफिशियल डिटेल्स मतलब ये जो वेबसाइट है उस पर आप स्टेट यूनिट रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अर एंटायर टीम वी थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड कैन नॉट वेट टू स्टेप इन टू द फ्यूचर विद यू रॉकस्टार गेम्स अच्छा अब ये कह रहे हैं कि भाई बकौल इनके के यार एक्टिव डेवलपमेंट चल रही है और जे टी एस सीरीज का जो नेक्स्ट लेवल uh, की नेक्स्ट जनरेशन की जो सीरीज है उसका काम अंडर वे है तो भाई आप मुझे एक बात बताओ जब इसका काम अंडर वे है आपने पूरी टीम डेवलपर्स uh, सारे सर जोड़ के बैठे हुए हैं और इस पर काम कर रहे हैं तो भाई इस पर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो मेरा क्वेश्चन ये है और इस पर क्यों इतने ये क्या भाई तुम्हारे मामू के बेटे हैं ये पी एस फाइव वाले और ये एक्सबॉक्स सीरीज एक्स वाले मतलब इनको क्यों दे रहे हो इनको स्टैंड अलोन वर्जन बनाने के लिए दे रहे हैं तो भाई अगर आपका जो है वो जी टी एस सिक्स अंडर डेवलपमेंट है तो भाई सारे तो आप इस पर लगेंगे मेक सेंस ना बस इन्होंने ये कहा है कि भाई हम जब अपडेट लाए जा रहे हैं और पी एस फाइव पर भी स्टैंड अलोन वर्जन ला रहे हैं तो भाई पी सी वाले यूजर्स हमारे जो है ना शार्ट ना हो जाए वैसे ही जो है कम्युनिटी काफ़ी कम होती जा रही है जाहिर सी बातें लोग बोर हो गए हैं ऑनलाइन से क्या करते रहे क्या करते रहे तो बोल रहे हैं कि भाई ये ना हो स्टैंड अलोन वर्जन हमने पी एस फाइव को दे दिया पता चला पी सी से यूजर्स कम हो गए ग्राफ नीचे आ गया मतलब तो ये ये नहीं चाह रहे इन्होंने बोला मंजन दे दो तो लोग ना खेलते रहेंगे और वेट करेंगे तो भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री तक तो कोई जी डी सिक्स का सीन ही नहीं है आई मे बी रॉन्ग मैं तो दुआ करता हूँ भाई कि मैं गलत साबित हूँ क्योंकि जी टी ए सिक्स मैंने भी खेलना है भाई बहुत टाइम हो गया बहुत घिस लिया जी टी ए फाइव को तो भाई मैं तो दुआ करता हूँ तुम तो लोग भी दुआ करो कि आपका भाई गलत हो जाए लेकिन मेरी नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस ऑफ गेमिंग के हिसाब से ना इसको भी मैं मंजन कहूँगा आगे आप लोग जो समझना है अपने कमेंट्स में तुम लोग मुझसे शेयर कर सकते हो कि मैंने कोई चीज़ मिस की है तो गायज उसको कमेंट्स में बता दो लेकिन मैंने थोड़ा सा ब्रीफली तुम लोग को डिफाइन किया कि वर्ड्स गोइंग ऑन इन रॉकस्टार स्टार हैड क्वार्टर्स तो बेसिकली ये चीज़ है आ, ये मुझे बस इन्फॉर्मेशन तुम लोगों से शेयर करनी थी क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं कि भाई आ रहा है आ रहा है बस इस साल आ रहा है तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है तो भाई बस दुआ करो कि मेरी बात गलत साबित हो जाए क्योंकि मुझे भी जी डी खेलना है खैर गाइज़ ये थी इन्फॉर्मेशन आई होप तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो गाइज़ मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आ, जब इनका एक और मंजन आएगा न्यूज़ वायर पे तो आई होपफुली मैं वीडियो बनाऊंगा ओके okay गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच गाइस अल्लाह हाफिज़